हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपकी अपनी चैनल पर जिसका नाम है फ्री फायर लेजेंड। जैसे कि आज आपने हमारे थंबनेल में देख लिया होगा, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जो फ्री फायर बैटल अरीना सीज़न 2 है, इसमें आप हिस्सा कैसे ले सकते हैं, आप अपने आप को कैसे एनरोल कर सकते हैं, आप एक टीम का हिस्सा कैसे बन सकते हैं और आप अपने आप को कैसे फेमस कर सकते हैं दोस्तों। तो बिना किसी बकचोदी के हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि ये बैटल अरीना है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे मतलब हर सीरीज़ में आपको 8 मैच खेलने होंगे। जैसे अगर हम पहली सीरीज़ की बात करें तो फ्राइडे के दिन मैच शुरू हो रहा है, पहला मैच फ्राइडे, दूसरा दिन सैटरडे, उसके बाद संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे के दिन आपका एंड वाला मैच हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद हम सीधा रूल्स में चलते हैं, तो हम रूल्स में पता करते हैं कि हमें क्या क्या जो रिक्वायरमेंट्स है, क्या चाहिए हमें रिक्वायरमेंट, जिसकी वजह से हम एक टीम का हिस्सा बन सकते हैं, अपना स्क्वाड बना सकते हैं। सबसे पहले जो प्लेयर है उसको एक टीम ज्वाइन करनी पड़ेगी। जैसे कि हम सब जानते हैं, एक सोलो टूर्नामेंट नहीं है, ये एक स्क्वाड टूर्नामेंट है दोस्तों। आपकी टीम में कम से कम 4 बंदे होने चाहिए, क्योंकि जब स्क्वाड है तो स्क्वाड में 4 बंदे होने ही चाहिए। उसके बाद जो लेवल ऑफ रिक्वायरमेंट है क्या होनी चाहिए, एक तो आपकी आईडी 30 लेवल या 30 लेवल से ज़्यादा होनी चाहिए, और दूसरी रिक्वायरमेंट है जो आपकी रैंक है वो डायमंड 1 कम से कम होनी चाहिए। उससे अगर नीचे हुई तो आप हिस्सा नहीं ले सकते हैं टूर्नामेंट में दोस्तों, ठीक है। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम यहाँ से। हाँ, यू कैन सी हाउ लॉन्ग द सीज़न लास्ट वंस द सीज़न स्टार्ट। जब एक सीज़न स्टार्ट होगा, इसके कहने का मतलब जब टूर्नामेंट स्टार्ट होगा, तो जहाँ पे हमने पहले देखा था मैच, पहला मैच, दूसरा मैच, तीसरा मैच, चौथा मैच, कहाँ पे, वहाँ पे आप आराम से देख सकते हो कि जो आपका सीज़न है वो एंड कब होगा। लेकिन जब एक बार मैच स्टार्ट होगा तो वहीं पे आप देख सकते हैं कौन कौन सी टीम है जो हिस्सा ले रही है। अब इसके कहने का मतलब है इसके बाद क्या होगा, जो जो बंदे आप क्वालिफाई हो चुके हैं, जो मैच में आ चुके हैं, वो जो अपनी टीम है वो लॉबी में जाके बैक अपनी टीम वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों। पूरा वीडियो देखना, क्योंकि मैं आपको अभी ये भी दिखाऊँगा कि आपको अपनी टीम जो है वो कैसे क्रिएट करनी है। उसके बाद क्या होगा, जब आप पूरा चैम्पियनशिप ख़त्म हो जाएगी, जो आपका स्कोर है वो इस बेसिस पे होगा कि आपने कितने किल किए हैं, ठीक है दोस्तों, आपने कितने किल किए मैच में, आप कितनी बार टॉप 5, टॉप 10, या आपने कितने मैच जीते हैं। उसके बाद अगर ऐसा हुआ, जो एंड की दो टीमें हैं दोनों का स्कोर बिल्कुल बराबर है, तो क्या किया जाएगा, पहले से लेकर एंड तक उनने जितने मैच खेले होंगे, जितने किल किए होंगे, सारा टोटल किया जाएगा, जिसके पॉइंट्स सबसे ज़्यादा बनेंगे वही वाली टीम जो है वो मैच जीत जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अभी वीडियो के साथ बने रहिएगा, क्योंकि मैं अभी आपको ये भी दिखाने वाला हूँ कि आप अपना स्क्वाड कैसे बना सकते हैं, आप इसमें रजिस्टर कैसे कर सकते हैं, जो एफएफसी जो टूर्नामेंट है सीज़न 2 है, ठीक है दोस्तों। आज का वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया दोस्तों। हाँ, जब सीज़न एंड होगा उसके बाद आपको जो रिवार्ड्स है वो आपकी रैंक के हिसाब से मिलेंगे। मतलब आप सीज़न में दूसरे नंबर पे थे, पहले थे, 10वें थे, वो कब मिलेंगे, जब सीज़न ख़त्म होगा उसके बाद आपको एक बार फिर से लॉगिन करना होगा, वो मिलेगा। लेकिन अगर आपने ऐसा किया कि अगले सीज़न आने तक आपने रिवार्ड्स क्लेम अपने नहीं किए, ठीक है, इस टूर्नामेंट, तो जो आपके रिवार्ड्स है वो वेस्ट हो जाएंगे, आपको उसके बाद वो नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों इसका मतलब जो जो टीम पार्टिसिपेट करेगी, तुरंत ही टूर्नामेंट ख़त्म हुआ फ़ौरन फिर से लॉगिन करके वो चीज़ ले लेगा। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर बैटल एरिना पर आना है, तो ऊपर आपको जो है आप सब देख रहे हैं सीज़न 2 है, तो टीम कैसे बनानी है, ठीक है। अगर मैं देखूँ यहाँ पे स्क्वाड में मुझे इनविटेशन आ चुका है, तो मुझे टीम बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ मैं इस टीम को कैसे ज्वाइन कर सकता हूँ। तो मैं स्क्वाड पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे इनविटेशंस पे रेड डॉट है मेरे, तो मैं इनविटेशंस के ऊपर क्लिक करके, जैसे कि मेरे छोटे भाई ने टीम बना ली है तो मैं उसके ऊपर टिक कर लेता हूँ, तो मैं उसमें रजिस्टर हो जाता हूँ, ठीक है दोस्तों। अभी आपको मेरी टीम दिख जाएगी, ठीक है, ये है मेरी टीम, इसमें अभी मेरा छोटा भाई है और मैं भी हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ये मेरी टीम, अब मैं यहाँ से इनविटेशन अपने दोस्तों को दे सकता हूँ। रिक्रूट का मतलब यहाँ से मैं किसी भी बंदे को टीम में डाल सकता हूँ जो मुझे लगेगा हमारे साथ इस टूर्नामेंट में खेल सकते हैं। तो जैसे वहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन है, तो आप वहाँ पे क्रिएट करके अपनी टीम बना सकते हो। तो जो रिवार्ड्स है ये ऊपर दिए गए हैं, देखिए पार्टिसिपेशन पर आपको 500 कॉइन्स मिलने वाले, उसके बाद उसी हिसाब से आपको रिवार्ड मिलेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त।